उसमें तो देख चुके हैं व्हाट इज सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, बाइनरी, टर्नरी, पोलिनरी। उसके बाद देखे हैं हम लोग सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। उसके बाद हम लोग देखे हैं स्टेट्स के बेसिस पर 9 टाइप का, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस, उस तरह से। उसके बाद हम लोग देखे थे कंसंट्रेशन, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन 10 टाइप्स का। और उसके बाद हम लोग देखे थे सॉलिबिलिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी। और तब हम लोग देखे थे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ, देयर एप्लीकेशन। उसके बाद उसके इंटेक्स आउट इंटेक्स क्वेश्चन देखे थे। फिर हम लोग देखे थे राउल्ट्स लॉ, सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए राउल्ट्स लॉ देखे थे। और अब हम राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर सॉल्यूशन का देखते हैं। दो टाइप्स होता है और वो दो टाइप्स होता है सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दो टाइप का हुआ है, कौन कौन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो राउल्ट्स लॉ को मानता है। राउल्ट्स लॉ को मानने का मतलब है कि पी वन इजकल टू पी वन नॉट एक्स वन होगा, पी टू इजकल टू पी टू नॉट एक्स टू होगा, और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होगा, डेल्टा मिक्सिंग एच जो होगा, ये क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। साथ ही इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। मीन्स ये तब होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल होता है, लगभग बराबर होता है। ऐसा जैसे ऑक्टेन में हेप्टेन को मिला दें, पेंटेन में हेक्सेन को मिला दें, टॉल्यूस में बेंजीन को मिला दें, तो टॉल्यूस बेंजीन का सॉल्यूशन जो बनेगा वो सब आइडियल सॉल्यूशन होगा। बट मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइडियल्स नहीं होते हैं। तो जो आइडियल नहीं होगा इसमें क्या होगा, तो ऐसा होगा कि सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। अगर बढ़ गया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, घट गया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन चूंकि घटने बढ़ने से होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स का, और राउल्ट्स लॉ को सारे टेम्परेचर पर नहीं मानता है, इसलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप का होगा, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग एंड निगेटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, पॉजिटिव डेविएशन तब होगा जब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, वीकर होगा, स्मॉलर होगा। तो स्मॉलर होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा किससे, राउल्ट्स लॉ से। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो सॉलिड सॉल्वेंट क्लोजर आ जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा, मतलब वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो उसको नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहें। इस तरह से सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर दो टाइप का हो गया, कौन कौन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो राउल्ट्स लॉ को सभी टेम्परेचर में मानेगा, और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और इंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम दोनों क्या होगा, जीरो होगा, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में ऑलमोस्ट इक्वल होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वह होगा जो सारे टेम्परेचर पर राउल्ट्स लॉ को नहीं मानेगा, और राउल्ट्स लॉ को नहीं मानने के बाद साथ क्यों नहीं मानेगा, नहीं मानने के पीछे कारण है इंटरमोलिकुलर फोर्स का डिफरेंट होना। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकर होगा तो पॉजिटिव डेविएशन सो ही होगा, जिसका वेपर प्रेशर पी वन नॉट एक्स वन से ज़्यादा होगा, पी टू नॉट एक्स टू से ज़्यादा होगा, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो होगा, मीन्स पॉजिटिव होगा, बढ़ जाएगा वॉल्यूम। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, मीन्स वो एक्सोथर्मिक इन नेचर का होगा। और उसका ग्राफ जो आइडियल का ग्राफ है, इस आइडियल के ग्राफ से ये ग्राफ में पॉजिटिव शो करेगा। उसी तरह से निगेटिव वाले का क्या होगा, पी वन इज ग्रेटर देन पी वन नॉट एक्स वन होगा, P1 is lesser than P1 not X1 होगा P2 is lesser than P2 not X2 होगा, और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होगा वो निगेटिव होगा, और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स चूंकि बढ़ गया है तो ये एक्सोथर्मिक नेचर का हो जाएगा, और ये क्या होगा, इंडोथर्मिक नेचर का होगा। पॉजिटिव डेविएशन शोइंग इंडोथर्मिक नेचर का होगा, निगेटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। अब इसमें एक और बात है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में अगर मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन के अंदर होता है वो मोल फ्रैक्शन काई वन और काई टू जो होता है वो अगर उसके गैसियस फेज का जो मोल फ्रैक्शन है वाई वन और वाई टू के बराबर अगर हो गया तो इसको एजियोट्रॉप्स कहेंगे। ऐसा कंडीशन आने के बाद इसको क्या कहेंगे, एजियोट्रॉप्स कहेंगे। और एजियोट्रॉप्स दो टाइप का होगा, कौन सा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब है जिसमें वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और वेपर प्रेशर बढ़ने का कारण क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकर होगा। मींस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा, और जो निगेटिव डेविएशन शो करेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हो सकता है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर को जब मिलाते हैं बाय वॉल्यूम, तो इसको बोलते हैं
ये एग्जाम्पल होता है मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉप्स का, और वहीं पर 68% HNO3 और 32% H2O बाई मास जब मिलाते हैं तो इस ये सॉल्यूशन, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है, और ये मैक्सिम घट जाता है, इंटर बढ़ जाता है, वॉल्यूम वेपर प्रेशर घट जाता है, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। तो इस तरह से एजियोट्रॉप्स भी दो टाइप का हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का स्पेशल केस है एजियोट्रॉप्स, स्पेशल केस, इसमें दोनों इक्वल होता है। और इसको एजियोट्रॉप्स का एक और चीज़ है कि इसको अगर हम लोग सेपरेट करना चाहेंगे तो ये पूरा पूरा सेपरेट नहीं हो पाता है, किसके द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, मतलब एक ही सॉल्यूशन जैसा शो करने लगता है दोनों का, जब ये कंडीशन तब आता है जब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में और वेपर फेज में इक्वल होता है। तो यही सॉल्यूशन का रॉल्स लॉ के बेसिस पर होता है, दो टाइप का, कौन कौन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इन चीज़ों को बुक के थ्रू हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक इन सबों को देखते रहिए, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा रॉल्स लॉ समझा हुआ है तो, और उसको देखने के लिए पीछे का जितने सारा वीडियो है सारा देखते रहिए, सॉल्यूशन का बुक पढ़ते हुए, बुक का कंसेप्ट बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सारा वीडियो को देखिए और पेन लेकर बैठिए और बुक पढ़िए, क्योंकि आप जानते हैं पढ़ने के लिए तीन चीज़ का उपयोग करते हैं, जो हम सुनते हैं भूल जाते हैं, जो हम देखते हैं कुछ याद रहता है, और जो हम करते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। तो इस तरह से तीनों अप्लाई कीजिएगा तो समझ में आएगा। तो वीडियो देखिए, सुनिए, किताब पढ़िए, देखिए, और साथ में नोट्स भी बनाइए, मतलब करिए भी, क्वेश्चन सब बनाइए, और जो नहीं समझ में आए कमेंट्स कीजिए क्वेश्चंस का, उसका भी आंसर उसके अनुसार से वीडियो से बना देंगे। इंडेक्स से बनाते रहिए, किताब पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़िए, पढ़िए, टेक केयर, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।